तो आइए मेरे चैनल ज्ञानवर्धक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोगों को ये टॉपिक जानते ही होंगे, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में। वह रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनका जिक्र आती है। लेकिन उनसे पहले ऐसा ही वीर योद्धा रानी थी हमारी भारत में, जिनकी आत्मकथा भी आज उनसे मिलती जुलती है। उनका नाम है रानी चिदंबा। अब रानी चिदंबा का कितनी महत्व है इतिहास में, वो थी कौन, उनके बारे में आज हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो रानी किट्टूर चिदंबा है कौन, वो किट्टूर की महारानी थे। अब किट्टूर कहाँ पे है, अब किट्टूर कर्नाटक का एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो चलिए उनकी आत्मकथा के बारे में शुरू करते हैं। रानी चिदंबा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 छोटी सी गांव ककटी में हुआ था। ककटी अभी बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, जो अभी प्रेजेंट कर्नाटक में उपस्थित है। रानी चिदंबा का शादी 15 साल में ही हो गई थी। उनके पति के नाम था किट्टूर की राजा मल्लसज्जा देसाई था। उनके पति की मृत्यु 1816 में हुआ था और उनकी एक शादी से एक बेटे भी था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी 1824 में। इसीलिए हमें पता है कि रानी चिदंबा का अभी कोई उत्तराधिकारी नहीं है अपना, इसलिए उन्होंने अपना एक बेटे को गोद लिया था, तो उनका नाम रखा था शिवालिंगप्पा, और उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। लेकिन ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को हजम नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी अपनी एक नीति थी, अगर कोई भी शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाते हैं तो वो राज्य ईस्ट इंडिया की हवाले किया जाता था। तो बहुत ही शासक को ये बात नहीं मान्य थी कि उनके उत्तराधिकारी के अलावा उनकी राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी की हवाले किया जाएंगे। इसीलिए बहुत बड़ा जंग हुआ था, तो इसीलिए रानी चिदंबा को भी जंग करनी पड़ी थी अपनी राज्य के हित के लिए, अपनी राज्य को बचा करने के लिए। इसीलिए उन्हें अपना एक बेटे को गोद लिया था। लेकिन कोई भी अगर शासक कोई भी बच्चे को गोद लेते हैं और अपना उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात को मान्यता नहीं था कि किसी गोद लिए हुए बच्चे को किसी सिंहासन मिले। तो इसी बात में बहुत बड़ा जंग हुआ था। तो आइए इस जंग के बारे में हम पढ़ते हैं। अक्टूबर 1824 को पहली जंग हुई थी किट्टूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, लेकिन इसमें जीत किट्टूर की हुई थी। अब ब्रिटिश ने किट्टूर को 20,000 सैनिक और 400 बंदूक के साथ आए थे किट्टूर को कब्जा करने के लिए और लूटने के लिए, लेकिन लूट नहीं पाए। इस जंग में एक ब्रिटिश कलेक्टर और पॉलिटिकल एजेंसी का नाम जॉन टैगरी, वो मारे गए थे। अब रानी चिदंबा का जो वफादार है अमरतूर बल्लभा, उसी की वजह से इस जंग को आधा पूरा वो लोग जीत चुके थे। और दो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, उनका नाम है सर वॉल्टर हिलियट एंड मिस्टर स्टीफेंसन, इनको बंदी बना लिया गया था। अब आगे जंग ना हो तो रानी चिदंबा ने एक समझौता किया था। किसके साथ समझौता किया था, ब्रिटिश कमिश्नर मिस्टर चैपलिन के साथ और गवर्नर ऑफ बम्बे, जिसकी अंडर में किट्टूर का शिष्ट आते हैं। तो उन्होंने दो कैदियों को छोड़ दिया था, जो दो ब्रिटिश कैदी थे।
क्योंकि वो शांति चाहती थी, लेकिन किस्मत को और कुछ मंजूर थे। सब लोगों को लग रहा था कि समझौता हो गया था, युद्ध नहीं होंगे, अब कोई जंग होने का कोई भी चांस अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन मिस्टर चैपलिन को ये बात हजम नहीं हुई। उनको बहुत बुरा लगा इस बात के बाद में कि एक छोटे से राज्य के सामने उनको घुटने टेकना पड़ा। तो इसीलिए अगली बार उन्होंने सैनिक इकट्ठा किया मैसूर सोलापुर से, ताकि वो किटूर को हमला एक बार फिर से कर पाए। इस बार दूसरी बार वार जंग हुआ था। इस बार रानी चेन्नम्मा थोड़ा कमज़ोर पड़ चुकी थी, और इस बार उनका जो वफादार था उनका नाम संगियोली रानाया और गुरु सिद्धप्पा, इन्होंने बहुत बहुबी युद्ध की थी, लेकिन वो लोग जीत नहीं पाए। क्यों जीत नहीं पाए, आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि उनका एक दो विश्वासघात गद्दार जो दो सैनिक थे उनकी वजह से, जिनका नाम मलप्पा शेट्टी वेंकट राव, उन्होंने रानी चेन्नम्मा को धोखा दिया था गन पाउडर में मिलावट के कारण। उन्होंने गोबर और मिट्टी भर दिया था ताकि वो लोग युद्ध नहीं जीत पाए। अब रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया था, उनको वैहुंगल फोर्ट भेजवा दिया था हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी उनका जो वफादार था संगोली रायना, वो युद्ध जीतते रहे और चाहते थे कि उनका बेटा शिवलिंगा को राजा बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर उनका वफादार को भी फांसी पर लटकाया गया था, और शिवलिंगा को भी ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। अब 5 साल तक रानी चेन्नम्मा को जेल में बिताना पड़ा। उन्होंने जेल में होली कुछ पूजा अर्चना भी किया, धर्म पुस्तक भी पढ़ी थी, और उनकी मृत्यु 21 फरवरी 1829 में हुआ था। रानी चेन्नम्मा का समाधि बैहुंगा तलुक में है, अभी वो सरकार के हवाले देख रेख में है। और किटूर चेन्नम्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा महिला है, पहली महिला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जंग किया था। तो इसके नाते किटूर उत्सव कर्नाटका में मनाया जाता है उनकी नाम से, उनकी सम्मान के लिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉज रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा द क्वीन ऑफ किटूर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन फीमेल रूलर टू लीड एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824 अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा हम कुछ आंसर को रेक्टिफाई कर लेते हैं। बस यही तक ही आप आंसर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। उनका जन्म कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1778। उनका जन्म कहाँ पर हुई थी? ककटी विलेज वेलाकवी, जो आज के नाम का डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव, जो कि कर्नाटका में मौजूद है। रानी चेन्नम्मा का शादी किससे हुई थी? रानी चेन्नम्मा का शादी किटूर के राजा मलासर जदिसाई से हुई थी। उनका बेटे का नाम क्या है जिसको वो गोद लिया था? उनका बेटे का नाम शिवलिंगाप्पा है। अब किटूर का युद्ध कब हुआ था? किटूर का युद्ध 1824 अक्टूबर को हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किटूर के खिलाफ क्यों युद्ध किया था? तो फिर आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एनी एडॉप्टिव चिल्ड्रन ऑफ नेटिव रूलर वर नॉट अलाउड टू बी नेम देयर सक्सेसर, एंड इफ नेटिव रूलर डिड नॉट हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन देयर किडनैप वुड बी अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एंड रानी चेन्नम्मा लॉस्ट हिज सन ओन सन
In 1824, and she had no son of her own. As British India Company did not recognize her adopted son to succeed at the throne of Kittu, so Rani stood against the implementation of this policy, and so in revenge, East India Company declared a war against Kittu. तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि रानी चन्नेबा की खुद की बेटे की मृत्यु के बाद उनका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं थी, तो उन्होंने अपना गोद लिए हुए बेटे को उनका शासक बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को मान्यता नहीं है। वो लोग चाहते थे कि किटू राज्य को अब उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के हवाले कर दे। तो इसी बात पे किटूर के राज्य से जंग हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब पढ़ते हैं जॉन टैगर है कौन। जॉन टैगर एक करेक्टर पॉलिटिकल एजेंट है जो साउथ इंडिया के लिए काम करते हैं, और उनका ब्रिटिश इंडिया में बहुत ही महत्व थे। और इनकी मौत पहले युद्ध पे हुआ था, पहले ही वाज डाइड ऑन द फर्स्ट वॉर ऑफ किटूर। और उनको मानने वाला उनका वफादार रानी चन्नेबा का वफादार अमाटुर वल्लप्पा थे। अब अमाटुर वल्लप्पा है कौन। ही वाज द ल्यूटिनियन ऑफ रानी चन्नेबा हु फॉट वॉर ऑफ किटूर। किस ब्रिटिश ऑफिसर को बंदी बना लिया गया था पहली युद्ध में। सर वॉल्टर एलियट एंड मिस्टर स्टीफेंसन। इस वॉर को रोकने के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए रानी चन्नेबा ने क्या किया था। रानी चन्नेबा नेगोशिएटेड विद द ब्रिटिश कमिश्नर मिस्टर चैपलिन एंड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे अंडर हुज रेजिम किटू फेल। तो उन्होंने समझौता किया था कि वो अपने दो ब्रिटिश अफसर को छोड़ देंगे, और बदले में किटूर पर अब कोई ब्रिटिश की ओर से हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ धोखा था, क्योंकि चैपलिन को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो छोटे के राज्य के सामने घुटने टेक देंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत षड्यंत्र से दूसरी बार युद्ध के लिए खुद को तैयार किया था। अब हाउ सेकेंड वॉर ऑफ किटू स्टार्टेड। मिस्टर चैपलिन वॉज फेल्ट ह्यूमिलेटेड फॉर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वॉर विद द किटू। ही ट्विचियसली ऑर्गेनाइज एंड गैदर लार्जेस्ट फोर्स फ्रॉम मैसूर एंड सोलापुर टू किटू वंस अगेन। देयरफॉर द सेकेंड बैटल वॉज स्टार्टेड। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर ऑफ किटू हु वर द ल्यूटेनेंट ऑफ रानी चन्नेबा। संगोली रायना एंड गुरु दिसादबा। अब हाउ रानी चन्नेबा डिफीटेड इन द सेकेंड वॉर ऑफ किटू। दो गद्दार सैन्यों की वजह से ये युद्ध हार चुके थे मल्लप्पा शेट्टी और वेंकट राव, जो कि गन पाउडर की जगह मिट्टी और गोबर मिला दिया था, इसीलिए वो युद्ध को हार चुकी थी। फिर शी वॉज सेंट इन प्रिजन बैंग होंगल फोर्ट। उनकी मृत्यु कब हुई थी रानी चन्नेबा का। 21 फरवरी 1829। अब किटूर उत्सव कहाँ मनाया जाते हैं और ये क्या है। किटूर उत्सव कर्नाटका में मनाया जाता है 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक उनके सम्मान के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम और भी हिस्ट्री का कुछ टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।